हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के 11 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसके पहले के चैप्टर में हमने मोशन देखा था, लॉज ऑफ मोशंस देखा था और ग्रेविटेशन देखा था, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर्स को देखने के बाद अब हम कार्य के पर आते हैं कि ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम कहते हैं कि कार्य है, ठीक है। और उन सबको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहीं पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कार्य किस तरह से हो रहा है और उसके लिए हमें ऊर्जा किस फॉर्म में मिल रही है, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्य, ठीक। तो कार्य के लिए हम कई तरह के कार्य करते हैं, तो हम सबको कहते हैं कार्य, लेकिन साइंस के टर्म में बहुत चीज़ें जो है वो कार्य नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि परीक्षा की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, ठीक है, आप भी कर रहे हैं पूरे एकदम मन लगा के बैठ के, लेकिन वो आपके लिए है कठोर कार्य, आप कह रहे हो कि है। लेकिन अगर हम उसमें बात करते हैं कि फिज़िक्स क्या कहता है, यानी साइंस क्या कहता है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि इसमें कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार होता है ये कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है, यानी कि बहुत थोड़ा बहुत कार्य उसमें हुआ होगा, नहीं तो कुछ कार्य नहीं है, ठीक है। एक चट्टान है, उसको हम ढकेलते हैं, उसमें उसको कठोर परिश्रम करते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद जो है चट्टान नहीं हिलती है और उसको हम करते करते थक जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जब तक उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है हमने कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है। अगर हम अपने सर पर एक भारी बोझ रखकर कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ा रह जाते हैं और थक भी जाते हैं, हमारी ऊर्जा भी व्यय हो जाती है, लेकिन अगर कार्य के अर्थ में समझते हैं तो इसमें कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, यानी बहुत कठोर काम किया फिर भी कोई कार्य नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि बहुत सारे कार्य जो होते हैं कि हमें लगते हैं होते हैं, लेकिन वहाँ पर कार्य की दृष्टि से नहीं होते हैं। तो देखते हैं कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है, ठीक है। तो विज्ञान का जो दृष्टिकोण है उसमें कार्य को एक अलग तरीके से बताया गया। जैसे कि एक गुटका है, ठीक है, तो एक किसी सतह पर रखा हुआ जो एक गुटका होता है लकड़ी का, उसको कुछ दूरी तक अगर उसको पुश किया गया तो कुछ दूरी वो तय करता है, यानी उसमें विस्थापन हो रहा है, यानी कि यहाँ कार्य हुआ है, ठीक है। ट्रॉली को खींचा जाता है, वो कुछ देर तक चलती है, यानी कि इस पर बल लगाया गया और यह विस्थापित हुआ है, यानी यहाँ कार्य हुआ है। यानी कि हम जिस पे बल लगाते हैं जब वो विस्थापित होती है कुछ दूरी तक, तब वहाँ पर कार्य होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये बल द्वारा किया गया कार्य आखिर है क्या। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक नियत बल, ठीक है, एफ से यहाँ पे इसको पुश किया जा रहा है, ठीक, और जब एफ से किया जाए तो ये एस दूरी तक इसमें विस्थापन हो रहा है, यानी कि यहाँ कार्य किया गया है। तो कार्य बराबर जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है ये, यानी कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। इसलिए किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। मात्रक देख लेते हैं, मात्रक यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, ठीक है। तो F का मात्रक हमें पता है न्यूटन, और टाइम यहाँ पे विस्थापन है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, ठीक है, यानी कि कार्य बराबर न्यूटन मीटर। लेकिन इसका एक मात्रक दूसरा भी है जिसको कि हम जूल कहते हैं। तो यहाँ मतलब होगा कि जब एक न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में एक मीटर विस्थापित कर दे तो वहाँ पे कार्य होता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का, यानी कि हमें F यहाँ पे पता चल गया 5 न्यूटन का, और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो रही है, यानी हमें S भी पता चल गया, तो अब यहाँ पे कार्य क्या होगा। तो सिंपल सा है, हम यहाँ पे 5, ठीक है, 5 × 2 आ जाएगा आपका 10 जूल, ठीक।
अब एक दूसरी स्थिति पर विचार करना है जिसमें बल जो है, बल और विस्थापन एक ही दिशा में। देखिए ये लड़की जो है इस कार को अपनी तरफ खींचे तो बल अपनी तरफ लगा रही है और विस्थापन भी इसी की ओर हो रहा है, ठीक है। तो यानी बल भी एक ही दिशा में है, विस्थापन भी एक ही दिशा में है। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो उनको धनात्मक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। और जब ये अपोजिट दिशा में होते हैं कि बल इस तरफ है और विस्थापन इस तरफ है तो ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी मान नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे जो कम कार्य जो किया गया है, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देखो यहाँ एफ जो है बल तो लगाया गया है, यानी दोनों दिशाओं के बीच में अगर आप एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है, यानी 180 डिग्री हो गया। और अगर 180 डिग्री पे जाएगा तो मान यहाँ ऋणात्मक हो जा रहा है क्योंकि बल दूसरी दिशा में है और विस्थापन दूसरी दिशा में, तो मान नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव मान क्या होता है, कम होता है। तो अगर सबसे अधिक कार्य पूछा जाए कि कहाँ हो रहा है तो 0 डिग्री पे, और सबसे कम कार्य कहाँ हो रहा है तो 180 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ जो है धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। देखें, बोझ का द्रव्यमान हमें पता है, विस्थापन पता है, और हमें W का फॉर्मूला है F इंटू S। इसके पहले के चैप्टर में हमने F का फॉर्मूला देखा था कि M और G, इसको हम लिख सकते हैं F इज़ टू एम जी इंटू S। M हमें पता है तो हम इसको 15 और इसमें 10, ठीक है, और इंटू 1.5 रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने कार्य देख लिया, अब हम ऊर्जा देखते हैं। तो ऊर्जा के बिना हमें पता है कि जीवन असंभव है, और ऊर्जा के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, और सूर्य हमारे लिए सबसे बड़ा जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा यहाँ पे जो सूर्य है, यहाँ नाभिकों से, परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से और ज्वार भाटों से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे है ऊर्जा का जो प्रयोग है, हम दैनिक जीवन में हर तरीके से करते हैं, चाहे वो खेलना कूदना, कोई भी कार्य करना, खाना खाना, चलना फिरना, तो ये सब में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जैसे एक उदाहरण से बताया गया है कि यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर एक भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ गुब्बारा यानी हवा से उसको हम एक कम बल लगाकर दबाते हैं, उसके बाद जब हम बल हटाते हैं तो अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बल लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है, ठीक है। इसी तरह चाबी भरने पर जो है खिलौना काफ़ी दूर तक चलता है, ठीक है, और फिर वो थोड़ी देर जाके रुक जाता है, यानी कि उस पर कोई ना कोई बल कार्य करता है। तो यहाँ पर है कि जो हम एक कार्य करते हैं वो हमें जूल के रूप में है, ठीक है, यानी एक जूल कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो मात्रा है वो एक जूल है, ठीक है। और कभी कभी हम ऊर्जा के लिए बड़े मात्रकों का भी यूज़ करते हैं, जैसे किलो जूल, किलो जूल यानी कि 1000 जूल के बराबर। ऊर्जा के रूप, अब ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, ठीक है, ये सारी ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है जो कि जूल ने दिया था, ठीक है, यानी कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्हीं के नाम पर रखा गया है जूल मात्रक, ठीक है। ये ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विद्युत और ऊष्मा गतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से इन्होंने काम किया है। इनका नियम था ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, और इसको हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या है, एक भारी गेंद ली गई है, ठीक है, और उस पर नीचे जो है एक रेत की मोटी परत बना कर रखी गई है, ठीक है। तो एक बार 25 सेंटीमीटर एक रेत का है, एक बार 25 सेंटीमीटर से गेंद को गिराई गई है, एक बार 50, एक मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। जब यहाँ से गिराई जा रही है तो आप इसको एक अनुमान लगा सकते हो कि किस ऊंचाई से गिरने के बाद गेंद ने रेत में सबसे ज़्यादा गड्ढा बनाया होगा, ठीक है। तो
यहाँ पे जो ऊर्जा आ रही है वो उसकी गतिज ऊर्जा के कारण वो चल रही है। तो यानी कि एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है, ठीक है, और एक तेज चलती वस्तु अपने सदिश अपेक्षा के धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पे हमने देखा एग्जांपल कि जो एक गेंद गिर रहा है रेत में, तो उससे आप बता सकते हो कि किसमें सबसे ज़्यादा, यानी कि जो सबसे ऊंचाई से गिरेगा उसमें गतिज ऊर्जा भी तो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब गतिज ऊर्जा के लिए एक समीकरण बताया गया है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि एक यू एक समान वेग से गतिशील हो रही है और इसमें बल जो है एफ विस्थापन की दिशा में लग रहा है, वस्तु एस दूरी तक विस्थापित हो रही है। तो हमें डब्ल्यू एफ एस पता है, लेकिन जैसे ही उस पर कार्य किया जाएगा U जो है V में बदल जाता है। U हमें पता होता है कि प्रारंभिक वेग होता है जबकि वो शून्य होता है, जैसे ही वो V में कन्वर्ट होगा वो V आपकी यानी कि वो कुछ दूरी तक चला है, ठीक। तो इस तरह से हमें जो है हमने जो गति के नियम देखे थे उसमें जो हमारा थर्ड लॉ थर्ड था इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, हम इससे एस को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद S जैसे ही हमारा निकल जाएगा हम W इज इक्वल टू F इंटू एस जानते हैं, F हमें पता है M में होता है और S की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यानी एनर्जी के फॉर्म में ये हो जाएगा E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे इनिशियल और फाइनल भी दिया होता तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। जैसे कि एक फार्मूला दिया क्वेश्चन दिया हुआ है 15 किलोग्राम की एक वस्तु है 4 मीटर पर सेकेंड के जो एक समान वेग से गतिशील हो रही है। तो यहाँ पे हमें मास पता है, वेट यहाँ पे वेलोसिटी पता हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप कर देंगे हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर और हमारा आ जाएगा 120 जूल। अब हम अगला देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एक रबर बैंड लिया गया है, ठीक है, उसके एक सिरे को पकड़ के दूसरे सिरे से खींचा गया, ठीक है। उसके बाद उसको देखते हैं कि वो खींच ही जाता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में वापस चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कई क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वस्तु पर जो किया गया कार्य है, किए गए कार्य के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है, ठीक है। जो कार्य होती है उसकी वजह से ऊर्जा संचित होती है और किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, ठीक। और यदि ये वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें जो होते हैं ये उपयोग में नहीं आते, लेकिन उसको स्थिति प्राप्त करने में ज़रूर आती है। यानी कि कोई भी वस्तु कार्य करती होती है तो अपनी स्थिति को, मतलब जो होती है उसकी ऊर्जा को संरक्षित की रहती है, लेकिन क्योंकि जब वो उससे हटती है यानी कि जब वो कार्य करने के बाद रुकती है तो वो अपनी स्थिति को प्राप्त करती है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है अब यहाँ पे किसी ऊंचाई से एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा देखी जा रही है। तो एक वस्तु को एच ऊंचाई तक उठाया गया है, ठीक। एच ऊंचाई पर उठाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु में स्थिति ऊर्जा तो आ गई है, लेकिन उसको जितना हम उठाएं वहाँ से गुरुत्वीय बल वो तो लग रहा था, तो हमने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ये स्थिति ऊर्जा लगाई है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एम द्रव्यमान की वस्तु है, एच ऊंचाई तक उठाई गई है, ठीक है, और इसका जो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल लगा होगा वो mg लगी होगी, यानी F इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये न्यूनतम बल होगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, यानी कि बल इंटू विस्थापन तभी कार्य होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, बल हो जाएगा mg और यहाँ पे विस्थापन h, यानी कि अगर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना होगा, एम जी एच, ठीक है। यहाँ पर जो वस्तु पर किया गया कार्य है एम जी एच के बराबर है, इसलिए वस्तु को एम जी एच के बराबर ऊर्जा दी जाती है। आगे है यहाँ पर कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, ठीक है, स्थितियों की जो ऊंचाई होती है जो ऊंचाई पर निर्भर होती है और ना ही उनके रास्ते पर, यानी कि यहाँ से इस तरह सीधे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऊंचाई पर डिपेंड करता है ना कि ये किस तरह से ऊपर गए हैं, ठीक है।
तो हर तरीके से इनकी चाहे जैसे भी जाए गुरुत्वाकर्षण बल तो लगना ही है, और इनका जो पोटेंशियल मान होगा वो होगा mgh। क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, ठीक है, और जी का मान यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया, तो हम mgh में पुट अप कर देंगे वैल्यू को और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब है क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं, ठीक है, हमें पता है कि ऊर्जा के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऊर्जा का रूपांतरण भी होता है, ठीक है, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम में कहा गया था कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, यही था ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही विनाश, ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था। यहाँ पर है कि एक वस्तु में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अगर दोनों होती है तो वो जो इनका कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। जैसे कि एक वस्तु को ऊपर उठाया गया है, ठीक है, जब ऊपर उठाया गया है तो ये h दूरी तक उठाया गया है, अब यहाँ पे उठा के लिया गया है तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो होती है mgh, ये mgh होने के बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो होती है ज़ीरो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से वस्तु को छोड़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करने लगती है, ठीक है, और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने लगती है, यानी यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ये धरती पर आने वाला होगा काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इस तरह से भी क्रियाकलाप यहाँ पर दिखाए गए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया। आगे हम देखते हैं कार्य करने की दर, ठीक है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी एक दर होती है, यानी कि एक अभिकर्ता जो ऊर्जा रूपांतरित करते हैं और विभिन्न दरों से कार्य करते हैं, ठीक है, तो जो कार्य करने की यहाँ पे दर बताई गई कि एक जो व्यक्ति होता है किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षा के कम समय में पूरा करता है, वही कोई दूसरा व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, तो इस तरह से कार्य करने की एक दर पता चलती है, ठीक, और यही जो होता है वर्गीकरण के आधार पर हम बताते हैं कि कितनी तेज़ी से ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, इसको कहा गया है शक्ति, यानी कि किए गए कार्य की गति को ये मापती है, यानी कार्य जो करने की जो दर होती है, कार्य की दर जो होती है उसको कहते हैं शक्ति, यानी ऊर्जा रूपांतरण, यहाँ पे W कार्य कर रहा है और शक्ति है, ठीक है, और वो समय T समय में कार्य हो रहा है, तो यानी कि पावर शक्ति पावर इज इक्वल टू W बाई T, ठीक है, पावर इज इक्वल टू W बाई T, इसका हम अगर मात्रक देखें तो हमें कार्य का मात्रक जूल पता है, ठीक है, और टाइम का मात्रक हमें सेकंड पता है, तो जूल पर सेकंड एक मात्रक हो गया, और एक दूसरा इसका मात्रक है जेम्स वाट के नाम पर वाट इसका मात्रक दिया गया है, ठीक है, तो एक वाट बराबर वन जूल पर सेकंड, ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में बताया जाता है ऊर्जा के लिए, ठीक है, तो ऊर्जा के उच्च दरों में हम किलोवाट का यूज़ करते हैं, यानी 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है, यानी कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, यानी 1000 जूल पर सेकंड, ठीक, तो इस तरह से हम इसके जो अभिकर्ता है विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कितना कार्य करता है हम उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दो लड़कियाँ जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, भार दे दिया हमें 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, ठीक है, हम लड़की का नाम ए और बी से रखते हैं, ठीक है, तो ए इस कार्य को पूरा करने में जो है 20 सेकंड ले रही है और बी जो है 50 सेकंड, तो हर एक लड़की द्वारा जो है कार्य कितना किया गया, यानी शक्ति का परिकलन करना है हमें, तो जो हमें दिया है पहले उसको देख लेते हैं, तो ए का जो भार है 400 न्यूटन है, ऊंचाई 8 मीटर और टाइम 20 सेकंड, तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू W बाई T होता है, ठीक है, W बाई T, और यहाँ पे जो कार्य किया गया है वो उसकी ऊंचाई पे गई है, ऊंचाई पे जाने जैसे ऊंचाई आती है हम हमेशा स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है, तो W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W बाई T,
ठीक है, डब्ल्यू बाई टी होता है और डब्ल्यू यहाँ इससे जो ऊर्जा है तो हम लिख देंगे एम जी एच बाई टी, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और सेम हम दूसरी लड़की के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे ए ने 160 वाट और बी ने 64 वाट, ठीक है, की शक्ति की दर से कार्य किया। अब है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ठीक है, जूल जो है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है, इसे बड़ी राशियों के लिए इसको नहीं यूज़ किया जाता। बड़ी राशियों के लिए हम किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि एक सेकंड में हमारा 1000 जूल ऊर्जा हमें उपयोग में आती है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक किलोवाट वन आवर, एक किलोवाट में हमें पता है कि 1000 वाट और वन आवर में 3600 सेकंड, इसको हम वाट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ये जूल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक है। जो घरों में, उद्योगों में और हर जगह यूज़ होता है वो किलोवाट घंटा यूज़ होता है, जिसको कि हम यूनिट के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, ठीक है, 60 वाट का, तो उसके बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई यूनिट कितनी होगी, ठीक है, तो मतलब 6 घंटे में 60 वाट, तो हम 60 वाट को किलोवाट में कर सकते हैं, ठीक है, 0.06। अब यहाँ पर है टाइम हमें 6 घंटे दिया गया, तो ऊर्जा का क्या होता है, शक्ति, यानी हमें पता है कि P इज इक्वल टू W बाई टी, तो इसको हम कोई ऊर्जा निकालनी है तो W इज इक्वल टू P इंटू टी। तो शक्ति का हमें पता है किलोवाट कितना दिया है और आवर 6 घंटे, ठीक है, तो किलोवाट आवर ही होती है व्यावसायिक यूनिट, ठीक है, तो हो जाएगा 0.36। आज का हम मेन मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। अब किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है, यानी कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, और ये होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा जो उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का, यानी कि जूल। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं, यानी एम जी एच। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही रूपांतरण होता है, उसका नहीं विनाश और नहीं उत्पत्ति होती है, ये सदैव अचर रहती है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, उसमें रासायनिक, ठीक है। किसी वस्तु की गति तथा स्थिति ऊर्जा के योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति होती है, जिसका मात्रक है वाट, यानी एक वाट बराबर एक जूल पर सेकेंड। एक किलोवाट के दर से एक घंटे में व्यय हुई ऊर्जा एक किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।